नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564409906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल का जीएस वाला पोर्शन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई टेनिस प्रतिस्पर्धा में हैप्पी स्लैम किसने जीता? तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैप्पी स्लैम है कौन सा, ठीक, फिर आप ये बताएंगे कि जीता कौन है। तो एक तो आपको याद रखना है, हैप्पी स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन को कहा जाता है, ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन को हैप्पी स्लैम कहते हैं। अब किसने जीता है ये इस बार का, एशले बाल्टे, आपकी सेरेना विलियम्स ने, वीनस विलियम या फिर नाओमी ओसाका? तो आंसर इसका एशले बाल्टे, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पुरुष टेनिस खिलाड़ी है जिसने 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, ठीक है, राफेल नडाल हैं, डेनियल मेडवेदेव हैं, रोजर फेडरर हैं या नोवाक जोकोविच हैं? तो देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसके पुरुष एकल में आपके डेनियल मेडवेदेव को हरा करके आपके राफेल नडाल ने, ठीक, ये भी याद रखना है कि किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेदेव को हराया है और जीते हैं राफेल नडाल, और इस जीत के साथ उन्होंने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, ठीक। तो ये तीन फैक्ट आपको यहाँ पर याद करने हैं, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित मूल मात्रक में से कौन अपनी राशि के साथ सही सुमेलित है, मतलब अपनी यूनिट्स के साथ कौन करेक्टली मैच्ड है? देखिए, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, और आपकी लिमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता की कैंडला, और पदार्थ की मात्रा यानी मोल, ठीक, तीनों सही है। सेपरेटली अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा एक औचित्य है, और टफ पेपर आ जाए वो भी आप हैंडल कर लें, वो भी एक औचित्य है, ठीक। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी डाले हैं। देखिए, वह भौतिक राशियां, क्योंकि आपको यहां से क्या है कि थोड़ी सी डिटेल नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सदिश राशि और कौन सी होती है, और अदिश राशि कौन सी होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें आपकी डायरेक्शन और आपका जो मैग्नीट्यूड है दोनों आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, बट नॉट द डायरेक्शन, तो ये गलत हो गया। और स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जहां पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बट यहां पर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब दोनों पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये उल्टा लिख दिया है बेसिकली, ठीक, इंटरचेंज्ड है दोनों स्टेटमेंट, तो दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे, ठीक। एक तो ये पूछ सकते हैं जो मैंने यहां पर बनाया क्वेश्चन, इसके अलावा दूसरी चीज जो वो पूछ सकते हैं वो इनकी एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे कि आपकी अदिश राशि है, जो अदिश राशि के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है आपका दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, ठीक। और सदिश के एग्जाम्पल हैं आपके वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, बल हो गया, भार हो गया, ये सब आपके सदिश के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब भी आपको याद रखना है, आंसर यहां पर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को किस इकाई में मापा जाता है, ठीक, कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को किस में मापा जाता है, बैरल में नापते हैं, आपके लीटर में, किलोग्राम में या गैलन में? तो इंटरनेशनली आपका एक बैरल में नापा जाता है, ठीक। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, वो ये है कि एक बैरल है जो 159 लीटर्स के बराबर होता है, ठीक है, तो ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत की भूमि नापन की है, ठीक है, भूमि बीघा में भी नापी जाती है, बिल्कुल सही, कट्ठा में भी नापी जाती है, बिल्कुल सही, उसके बाद आपका जो किला है उसमें भी नापी जाती है, ठीक है, किला ये हरियाणा वाला जो एरिया है, इधर आपके किले होते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, कौन सा बैंक अब ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है, ठीक है, तो कौन सा है, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बंधन बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है इसका पेटीएम पेमेंट बैंक, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक।
अगला देखिए, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया है? ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी पूछे जाते हैं, तो किसको किया गया है? संजीव सान्याल को, डॉक्टर विवेक देबरॉय को, चिराग दुदानी को या रतन वाटल को? तो आंसर है इसका संजीव सान्याल को। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस, देवयानी या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो आंसर है इसका साइरस, सबसे चमकीला पूछा है, याद रखिएगा। ठीक, चमकीला कौन सा है? साइरस। ठीक है, इसे आपका व्याध भी कहते हैं, व्याध। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नीला तारा कौन सा होता है? ब्लू स्टार इज आपका पृथ्वी है। ठीक है, उसके अलावा भोर का तारा किसको कहते हैं? ये शुक्र को कहते हैं, वीनस को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका हरा तारा किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, एस्थेनोस्फियर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल भी जानने की जरूरत है। देखिए ऐसा होता है, ठीक है, ये पृथ्वी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर कभी आपने समझा हो तो देखिए, ऊपर से आपका क्रस्ट होता है। ठीक, क्रस्ट के बाद फिर आपका, क्रस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इसी तरह मेंटल होता है, जो मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसी तरह कोर होता है, जो कोर के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अपर मेंटल वाला पार्ट है, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आपका एस्थेनोस्फियर पाया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा गया कि एस्थेनोस्फियर किसका हिस्सा है? आपका आउटर क्रस्ट का है, लोअर क्रस्ट का है, मेंटल का है या कोर का है? तो देखिए मेंटल का हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, पृथ्वी की संरचना में 100 से भी अधिक तत्व शामिल हैं, इसमें से सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? ठीक है, तो आपको परसेंटेज भी याद रखने हैं, परसेंटेज क्या है इसका सीक्वेंस याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीजन का है, सिलिकॉन का है, एल्युमिनियम का है या लोहे का है? तो पृथ्वी की संरचना की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो अर्थ है उसके कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है। कितना है? 46.50। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक, तो ये सही सीक्वेंस लगाया हुआ है बिल्कुल। ठीक, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ठीक, तो इसी से अगर सीक्वेंस लगवाने को आ जाए तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, और अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किसका है तो वो ऑक्सीजन का है। ठीक, कितना है? 46.5। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। ठीक, अगला देखें, देशांतर रेखाओं का भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने में दूरी पर क्या असर पड़ता है? दूरी घटती है, दूरी बढ़ती है, एक समान रहती है, या आपकी पहले दूरी जो है वो बढ़ती है और फिर घटती है? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा दूरी घटती है, और जैसे ही आप फिर पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो दूरी कितनी हो जाती है? शून्य हो जाता है ना, जीरो हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, वृहद हिमालय के महत्वपूर्ण शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ठीक, तो ये आपका सीक्वेंस है। तो देखिए, सबकी आप हाइट तो याद कर नहीं सकते, तो आपको मेजर मेजर आपको हाइट याद कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम है, जिस हिसाब से उस हिसाब से ही इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज्यादा है माउंट एवरेस्ट की, ये तो आपको पता ही है, ठीक, 8,848 मीटर। ठीक, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मकालू, फिर उसके बाद आता है आपका धौलागिरी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नंगा पर्वत, और फिर आ जाएगा नंदा देवी। ठीक, ये वाला, तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एवरेस्ट की याद रखनी है, कंचनजंगा की जो भी हाइट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, बाकी किसी की हाइट नहीं याद करनी, लेकिन सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? लिपुलेखला, बारालाचला, बोमडिला या नीतिला? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बोमडिला। ठीक है, बोमडिला है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो अब आपको ये बताना, देखिए लिपुलेखला है जो, ये आपका उत्तराखंड में है, और नीतिला भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक, ये सब आपको याद रखने हैं। बारालाचला है जो, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां असम हिमालय की प्रमुख नदियां हैं? देहांग, दिबांग या लोहित? तो तीनों ही हैं जो असम हिमालय की हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुंदेलखंड के पठार के बारे में सत्य है? यह पठार बुंदेलखंड नीस से निर्मित है, बिल्कुल सही, और चंबल और यमुना नदियां हैं जो वो यहां से बहती हैं, और इन्होंने काफी बड़ा गड्ढा बना लिया, मतलब रिफ्ट वैलीज बना रखी है इन्होंने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, सी आंसर। ठीक,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वाइसरॉय को अध्यादेश शक्ति तथा निषेधाधिकार का दिया गया था? ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है जो, ये वाइसरॉय को आपके इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में दी गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है? ठीक, तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हमें पता है हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और पहले यहाँ पर ब्रिटेन ने राज किया है, तो एक्ट ऑफ 1935 है जो, उससे लगभग 50% चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। ठीक, अब बची हुई जो 50% है उनमें से उनको हमने क्या एक्सपेरिमेंट बेसिस पर अलग अलग जगहों से लिया है, तो वो आपको याद करनी है। ठीक, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो, ये आपने कहाँ से ली है? ये जापान से ली है। ठीक है, मूल कर्तव्य है जो, ये आपने रूस से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका संघीय शासन व्यवस्था है जो, ये आपने कनाडा से ली है, फेडरल सिस्टम। ठीक, तो फ्रांस पूछा है तो आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 3:2 केसरिया सफेद हरा राष्ट्रध्वज। ठीक, एक तो देखिए इफेक्ट हो गया कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसको किस रेशियो में बनता है, तो 3:2। ठीक है, ये रेशियो है। तो और ये कब अपनाया गया? 14 अगस्त 1947 को। तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये गलत हुआ स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, सारनाथ में स्थित अशोक की लाट को 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसकी जो डेट है वो है आपकी 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो दोनों गलत हैं, डी आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किन विचारधाराओं से ओतप्रोत है? न्याय और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, तो ये सारा कुछ है इसमें, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हैं जो, वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं? प्राकृतिक संसाधनों की कमी है भारत में? बिल्कुल नहीं। ठीक, बहुत सारे हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रति व्यक्ति कम आय है? बिल्कुल सही, ये सही है। ठीक, और पूंजी निर्माण में न्यून दर, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में जो हमारी रेट है वो काफी कम है। तो ये दोनों सही है, 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में नई उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, लिबरल आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें एलपीजी एरा के बारे में बोलते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई है? 1991 में। ठीक, सही है। और भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो ये वाला पार्ट भी सही है। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक, तो मत्स्य पालन, विनिर्माण, बैंकिंग या लोक प्रशासन। तो आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य पालन, फिशरीज है जो, वो आपके प्राइमरी सेक्टर्स के संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधारों का अंग है? भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही, प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल सही, केंद्रीकरण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिबरलाइजेशन होना चाहिए था, अभी हमने पीछे बात भी की एलपीजी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिडबी की क्या, सिडबी क्या है, मतलब सिडबी की आपको फुल फॉर्म बताने। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मार्ट इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या स्मॉल इनोवेटिव डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानी है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है? किर्गिस्तान की बिश्केक, लेबनान की बेरूत और हंगरी की बुदापेस्ट। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित मुद्राओं और उनके देशों को में से कौन सही सुमेलित है? अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसा, अल्जीरिया की दिनार और इटली की लीरा। ठीक, तीनों सही है, डी आंसर। ये सब याद करने हैं आपको, ठीक है, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है जो हॉकी से संबंधित है? पावर पॉइंटर, राइडर, हिंडर या गुगली। ठीक है, तो गुगली तो पता है आपको क्रिकेट से संबंधित है, हिंडर आपका हैंडबॉल से संबंधित है, राइडर है जो वो आपका जो है वो कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, तो बचा क्या? पावर पॉइंटर आपका हॉकी से संबंधित है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में से कौन सही सुमेलित है? विश्व उपभोक्ता दिवस है जो, ये कब होता है? 14 मार्च को। ठीक है, टीबी दिवस है जो, ये कब होता है? 22 मार्च को। ये गलत हो गया क्योंकि ये होता है आपका 24 मार्च को। ठीक, और उसके अलावा तीसरा क्या, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को। तो ये सही है, तो ये 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, सी आंसर।
अगला देखिए, कंप्यूटर में पूर्ववत करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसको आप हिंदी में जरूर देख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट की काय की पूछ रहे हैं, अंडू की, ठीक है। पूर्ववत से हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट अंडू, अंडू सबको पता है क्या होता है, कंट्रोल जेड, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन टेबल में काम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल या नोटपैड, ठीक है। तो देखिए, वैसे आप टेबल तो बना सकते हैं किसी में भी, ठीक है, लेकिन टेबल में काम करने की बात जब यहां पर कह रहे हैं तो आपको एमएस एक्सेल पर टिक लगाना है, सी आंसर। अगला देखिए, पेगासस है जो, ये क्या है? एंटीवायरस है, फायरवॉल है, स्पाईवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अब ये न्यूज में भी था, ठीक, पता होना चाहिए, स्पाईवेयर है आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट टीम की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप चैटिंग कर सकते हो, बिल्कुल, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, और ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है, तो तीनों ही कर दी जा सकती हैं, डी आंसर, ठीक है। अगला देखिए, क्यूआर कोड, जिससे अभी आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं तुरंत, उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्वालिटी रेस्पॉन्स कोड या क्वालिटी रिजल्ट कोड? तो इसका आंसर है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ए आंसर। अगला देखें, 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हिंदी भाषी राज्यों में जो दशकीय जनसंख्या मतलब डिकेडल ग्रोथ हुई है जो, उनको आपको घटते क्रम में लगाना है, ठीक है, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ठीक, तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, ठीक, तो यही आपको याद करना है। अगर सबसे ज्यादा पूछ ले तो बिहार में आंसर लगा देना है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश की रही? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, ठीक है, 2011 के हिसाब से पूछ रहे हैं, 11 की जनसंख्या है जो, जनगणना है जो, उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं कि अब तो ये अलग एक सेम हो गए हैं तो अब कैसे आ गए ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि 11 के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो आंसर भी इसका क्या है, दादर एंड नगर हवेली, बी आंसर। और कितना है ये भी पूछ ले तो आपको याद रखना है 55.88, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश परसेंटेज। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपका अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? तो आंसर हो जाएगा इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और कितना है? 968, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 968 है जो वो महिलाएं हैं, ठीक है। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जो विकलांग जनसंख्या है? 1.21%, 2.21%, 3.21% या 4.21%? तो इसका आंसर है 2.21% जनसंख्या है जो वो विकलांग जनसंख्या है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये देखिए गलत हो गया क्योंकि ये डेट है आपकी 8 अगस्त 1942, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ये बात सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, ठीक, सही है, और मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की भाषा क्या थी? संस्कृत, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाली, प्राकृत ये बोला करते थे, ठीक है, आम लोग जनरली क्या, प्राकृत बोलते थे और विद्वान लोग पाली का प्रयोग करते थे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित मुगल साम्राज्य के शासकों को उनके सही क्रम के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है, तो बहादुर शाह, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, ठीक है, तो इनको आपको लगाना है, तो ये पता ही है, सबसे पहले बाबर हैं, बाबर के बेटे हुए हुमायूं, हुमायूं के बेटे हुए अकबर, अकबर के बेटे हुए आपके जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और उनके बेटे औरंगजेब, फिर उनके बाद ये बहादुर शाह, ठीक है, तो इसको जब क्रम से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ए, 4, 3, 2, 1, 1। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, चौसा का युद्ध है जो वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, ठीक, गलत हो गया क्योंकि ये लड़ा गया है चौसा का आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुई है, कब हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में बना है, ठीक, तो ये बात सही है। अच्छा, अकबर और हेमू के बीच जो फाइट हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ओनली बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गलत हो गया, गयासुद्दीन तुगलक थे। अलग से पूछे जाते हैं ये, है ना, लेखपाल के एग्जाम में पहले भी देखा गया है कि संस्थापक अलग से पूछे जाते हैं, सेपरेट क्वेश्चन, ठीक, तो याद कर लीजिए गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आए, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पर याद क्या करना है, एक इब्न बतूता, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और तीसरे ये कहाँ से आए, मोरक्को से, ठीक। इस सेंटेंस से आपको तीनों बातें याद रखनी है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या खान बहादुर खान? तो आंसर है इसका बेगम हजरत महल, सी आंसर हो जाएगा इसका। बेसिकली जब 1857 का युद्ध हुआ तो उसमें कहां कहां से कौन कौन लड़ा था ये क्वेश्चन आपको याद करना है, मतलब इंडिया साइड से कौन था ये भी याद करना है, और उनके विपक्ष में कौन कौन अंग्रेज थे वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो दोनों लिस्ट है किसी बुक में आपको मिल जाएंगी, वो आपको याद करनी है, ठीक है। बेसिकली मंगल पांडे हैं जो, ये बैरकपुर से लड़े थे, ठीक है, राजा नहीं थे, यहाँ पे तो राजा पूछा है तो इसका आंसर तो हो गया बेगम हजरत महल, ठीक है। लेकिन कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, जगदीशपुर आरा से, उसके बाद खान बहादुर खान आपके बरेली से, और मंगल पांडे बैरकपुर से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने तो स्टार्टिंग की थी क्योंकि, तो बैरकपुर के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो आंसर है सी राजगोपालाचारी, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सांची स्तूप कहां पर है आपका, एमपी में, ठीक, गुजरात में आपका रानी की वाव है, और महाराष्ट्र में अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं, तीनों ही सही लोकेशन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लाला लाजपत राय आपके पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और चितरंजन दास हैं जो उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तीनों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, झांसी की रानी का मकबरा है जो, वो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में है, झांसी में है, आपका उज्जैन में या इंदौर में? तो आंसर है इसका ग्वालियर में, ठीक है, झांसी की रानी वहां से जब भाग करके आई थी तो कहाँ, ग्वालियर में आई थी, ठीक है, तो फिर ग्वालियर में वहां पर उनकी मौत हुई थी, तो वहीं उनका मकबरा बनाया गया है, ग्वालियर आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, ग्लाइकोलिसिस है जो, वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही, और कोशिका द्रव्य मुख्य रूप से पानी, वाटर, सॉल्ट और आपका जो प्रोटीन है उससे बना होता है, ठीक, तीनों ही दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं, जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।